चंपावत और टनकपुर में केंद्र सरकार की नवीन अग्निपथ योजना का युवा विरोध कर रहे हैं। मामले को लेकर टनकपुर युवाओं का कहना है कि इस योजना में कई खामियां हैं। योजना के अंतर्गत सिर्फ 4 साल के लिए ही भर्तियां की जाएंगी, जिसके बाद 75% युवाओं को एक बार फिर से रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। साथ ही युवाओं ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी योजना को जल्द वापस नहीं लेती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। युवाओं ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी चंपावत को सौंपा है। इस मुद्दे पर उपजिलाधिकारी चंपावत ने केंद्रीय मंत्रालय तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। हम अपना हक मांग रहे हैं, ये टीओडी वापस लो और हमारे 2 सालों से जो एग्जाम रुका है उसको कराया जाए। वक्त से पहले सर हमारे देखिए, इतने साल से हम 2 साल तैयारी कर रहे हैं, इतनी सारी हमने मेहनत करी है, सर हम ऐसे बर्बाद कैसे आने थे? 2 साल हमारे एक्स्ट्रा हो चुके हैं, हम क्या करेंगे सर बताइए? हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं, हमने सोचा नहीं किसी चीज के बारे में, सोचना नहीं है सर। पहली बात तो नाम ही रखा है टूर ऑफ ड्यूटी। टूर मतलब क्या होता है? घूमने जा रहे हैं हम लोग। पहली बात सर, रेगिस्तान में हमारी ड्यूटी लगा दी। मैं इस सैन्य विज्ञान से PhD भी हूँ, तो उत्तराखंड जो है एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। उत्तराखंड के आज हर युवा में निराशा है और परिवार में भी निराशा है, क्योंकि उत्तराखंड के हर परिवार से अगर किसी परिवार में 5 सदस्य हैं तो 2 सदस्य 3 सदस्य भारतीय सेना में कार्यरत हैं और कार्यरत होने के लिए आज युवा जो है तैयारी कर रहे हैं। बच्चों के द्वारा मुझे माननीय रक्षा मंत्री महोदय भारत सरकार के नाम से ज्ञापन दिया है, इसको मैं आज ही जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री महोदय।